इसमें हम हाँ, आज की जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम इकाई फर्स्ट पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट का जो उनका टॉपिक है वो है टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान। इससे पहले की जो ऑनलाइन क्लास होती है उसमें हमने टैगोर के अनुसार शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने टैगोर के द्वारा जो शिक्षण विधियाँ बताई थी, जैसे भ्रमण के समय पढ़ना, वाद विवाद का प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा पढ़ना, क्रिया विधि द्वारा पढ़ना, मातृभाषा द्वारा शिक्षण कार्य करवाना और खेल द्वारा शिक्षण और स्वानुभव पर शिक्षण, इन विधियों के बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज हम टैगोर के अनुसार शिक्षक का स्थान क्या उन्होंने माना है उसके बारे में हम आज की जो क्लासेस में चर्चा करेंगे। टैगोर की दृष्टि में शिक्षक ज्ञानी, संयमी एवं बालक के प्रति समर्पित होना चाहिए। टैगोर ने बताया है कि टैगोर के अनुसार शिक्षक ज्ञानी संयमी एवं बालकों के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। उन्होंने बताया है कि शिक्षक पूर्ण रूप से अपने विषय का ज्ञाता हो, संयमी हो एवं बालकों के प्रति पूर्ण रूप से सहमी हो, यानी बालकों के प्रति समर्पित होगा, तभी वो बालक को शिक्षा कार्य करवाएगा। बालकों के प्रति वो घृणा का भाव रखता है, शिक्षक कार्य की नौकरी ही समझता है या व्यवसाय का पैसा ही समझता है, तो वो शिक्षक को पूर्ण रूप से शिक्षक को शिक्षा के कार्य के प्रति समर्पित नहीं होने देगा। इससे तो बालक के प्रति पूर्ण रूप से वो शिक्षक का ज्ञानी होना चाहिए अपने विषय का, और उसी के अनुसार बालकों के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिक्षक के विषय में टैगोर के विचार पूर्णतः परंपरावादी थे। इस संबंध में जो टैगोर के विचार थे पूर्णतः परंपरावादी माने जाते हैं। गुरुदेव के अनुसार बिना शिक्षक के जो गुरुदेव ने कहा है, यानी गुरुदेव टैगोर जी को कहा जाता था, उनको गुरुदेव की उपाधि मिली हुई थी। इनके अनुसार शिक्षक बिना शिक्षक के संभव नहीं है, यानी बिना शिक्षा जो शिक्षक के शिक्षा में मिल रही है वो बिना शिक्षक के संभव नहीं होती है। इसलिए तो कहा गया था कि जो कबीरदास ने दोहा कहा था कि गुरु गोविंद खड़े उपाय बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए, यानी गुरु और गोविंद भगवान दोनों करें जिसके पैर लागू, यानी गुरु के ही पैर लगना जिससे हमें सतमार्ग की ओर जाने का रास्ता दिखाया है। इसलिए बिना गुरु के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करना संभव होना गया है। मनुष्य केवल मनुष्य से ही सीख सकता है, अतः शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार ही शिक्षक है। टैगोर ने शिक्षण विधि की तुलना में शिक्षक को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए कहा है कि शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती, अतः शिक्षक को पूर्वग्रही, संकीर्ण, सहिष्णुता, अधीन और अहंकारी नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षक को एक महत्वपूर्ण स्थान उन्होंने समाज में प्रदान किया है, और उन्होंने लिखा है कि शिक्षक के द्वारा और शिक्षण विधि और शिक्षण विधि और शिक्षण विधि द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती द्वारा कदापि नहीं दी जा सकती।
पूर्वाग्रही संकीर्ण संकीर्ण पूर्वाग्रही संकीर्ण और असहिष्णु और असहिष्णु अधीन और अहंकारी नहीं होना चाहिए। अधीन और अहंकारी नहीं होना चाहिए। यदि शिक्षक के अंदर पूरा एक संगीत जो भावना है सुनना है भावना है और अहंकारी नहीं होना चाहिए। इस प्रकार टैगोर ने शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार माना है। टैगोर ने शिक्षक को शिक्षा व्यवस्था का मुख्य आधार माना है और इस रूप में शिक्षक के कार्य निम्नलिखित हैं। इस हेतु उन्होंने शिक्षक के निम्न कार्य बताए है। इस हेतु शिक्षक को मुख्य आधार माना है टैगोर जी ने। इस हेतु शिक्षक के जो मुख्य कार्य हैं उन मुख्य कार्यों को कौन कौन से हैं जो शिक्षक के मुख्य कार्य उन्होंने माने हैं। नंबर एक पे शिक्षक एवं बालकों को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण और सत्य की खोज करनी चाहिए। नंबर एक पे शिक्षक एवं बालकों को समान रूप से शिक्षक एवं बालकों को समान रूप से सांस्कृतिक परंपराओं रूप से सांस्कृतिक परंपराओं बालक स्वानुभव द्वारा अधिक
दक्षता से सीख सके। ठीक है, शिक्षकों को ऐसे वातावरण का निर्माण करना चाहिए जिससे बालक अनुभव द्वारा अधिक सरलता से और दक्षता से सीख सके। नेक्स्ट है, शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शक्ति का शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शक्ति का दमन करने वाला शक्ति का दमन करने वाला शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शक्ति का दमन करने वाला और उसकी उल्लासवर्धक वृद्धि में बाधक नहीं होना चाहिए और उसकी उल्लासवर्धक वृद्धि में बाधक नहीं होना चाहिए यानी शिक्षक का कोई भी कार्य बालक के रचनात्मक शक्ति का दमन करने वाला उसकी जो उत्साहवर्धक प्रति है उसको बालक नहीं होना चाहिए। जो कार्य बालक कर रहे हैं उस बालक को उस कार्य के प्रति मोटिवेट करना चाहिए। और अंतिम है, शिक्षक को शिक्षण विधियों में विश्वास न करके शिक्षक को शिक्षण विधियों में विश्वास न करके जीवन के सिद्धांतों शिक्षा प्रद अनुभव